तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड सैंपल पेपर 2024-25 का हमारा क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि इफ द कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स रेडियस डिक्रीज्ड बाय 0.1% देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली, और ये ऑप्शन हमको गिवन है, ए -0.4%, बी +0.8%, सी +0.4% एंड डी +0.2%। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक कॉपर वायर को स्ट्रेच किया गया, मतलब उसको खींच दिया गया, और कितना खींचा गया बच्चों कि उसकी जो रेडियस है वो 0.1% डिक्रीज हुआ। तो बच्चों यहां पे हम कह सकते हैं कि डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ऐसे तो परसेंट चेंज लिखते हैं, ये दिया है 0.1% का, है ना। अच्छा, और वो भी डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज होने का मतलब ये हम माइनस में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, माइनस में। अब देखिए बेटा, हमको पहले समझना चाहिए कि कॉपर वायर की रेजिस्टेंस के बारे में यहां बात की गई, तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर होता क्या है भाई बताओ, है? तो कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है वो बच्चों क्या है जरा बताइए। रेजिस्टेंस आर बराबर होता है रो एल अपान ए, जहां एल क्या है, एल है लेंथ, ठीक, और ए क्या है, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा बच्चों, एक बात ध्यान रखने वाली है यहां पे कि जब किसी वायर को हम स्ट्रेच करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि उसका वॉल्यूम जो होता है ना वो कांस्टेंट हो जाता है। जैसे कोई वायर है उसको खींचोगे तो, अगर खींचोगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ बढ़ेगी तो बच्चों उसका जो एरिया होगा ना वो डिक्रीज होता है। अब सोचो, वायर का पहले एरिया ए था, लेंथ एल थी, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो इनिशियल वॉल्यूम था वो एल था, एल था, यानी कि अगर मैं यहां पे देखो, यहां पे बच्चों लेंथ नहीं चेंज की गई, केवल रेडियस चेंज की गई। जब रेडियस चेंज करेंगे तो एरिया चेंज होगा, यानी कि अपने को एरिया और वॉल्यूम में एक इक्वेशन बना लेनी चाहिए रेजिस्टेंस की, क्योंकि लेंथ को मतलब यहाँ पे हटा देना है इस फॉर्मूले से, है ना। तो ए एल बराबर वी हो गया, तो यहां से अगर आप बात करोगे एल बराबर क्या आएगा, वी अपान ए। अगर आप चाहो तो एल का फार्मूला वी अपान यहाँ पे पुट कर सकते हो। अगर बेटा इस वैल्यू को पुट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा बताओ, आर में वैल्यू पुट करो भाई, तो आर बराबर हो जाएगा रो एल, एल की जगह वी अपान ए अपान में ए। बेटा आप इसको समझो, आर बराबर हो गया रो वी अपान ए स्क्वायर, है ना। अच्छा, जब रेडियस इतनी हो गई बेटा, ए सॉरी, जब आपका ये हो गया है ना, रेजिस्टेंस इतना हो गया, अब अगर आप एरिया को चाहो तो आप एरिया का भी तो फार्मूला आपको पता है क्या होता है भाई, एरिया फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो आर की जगह क्या फार्मूला बनेगा, ये बनेगा रो वी अपान ए, ए मतलब एरिया, तो एरिया का वैल्यू हो गया पाई आर स्क्वायर, और इसका भी क्या करना है बच्चों, स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आर की वैल्यू बताओ, ये मिलेगा रो वी अपान पाई आर की पावर 4। यहां से बच्चों अगर आप बेसिक बात करो, एक बात और यहां ध्यान देना बच्चों कि जो रो है ये होती है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी जो होती है ना वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और मटेरियल पे डिपेंड करती है, मतलब रेजिस्टिविटी जो होती है वो स्ट्रेचिंग में कोई रोल प्ले नहीं करेगी। तो अगर वायर को स्ट्रेच करोगे तो देखो रो कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, तो अगर रेडियस के हिसाब से देखो तो रेजिस्टेंस जो है वो 1/r^4 पे डिपेंड कर रहा है। चूंकि ये चेंज बहुत छोटा है तो इसको लाइक परसेंट एरर आप इसको बना सकते हो इस इक्वेशन को, है ना। तो आप यहां लिख सकते हो क्या, डेल्टा आर अपान आर इंटू 100। ध्यान रखना ये तभी बनेगी इक्वेशन जब आर में बहुत कम चेंज हुआ, जैसे 0.1% बहुत कम चेंज हुआ ना, इसलिए बनना ही। तो बराबर क्या बनेगा, ये बनेगा 4 डेल्टा आर अपान आर इंटू 100। अच्छा, क्योंकि पावर का मल्टीप्लाई हो जाता था परसेंट में। अब एक बात यहां ध्यान रखने वाली है बेटा कि अगर R को आप डिक्रीज करोगे, ठीक है, तो यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो बच्चों क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब अगर R में चेंज निगेटिव है तो
अगर रेडियस में चेंज निगेटिव है तो कैपिटल आर में चेंज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, क्योंकि अपान में ना जब आर घटेगा तो ये निगेटिव रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 दिया है, माइनस का 0.1% क्योंकि डिक्रीज हुआ था इसलिए आप माइनस लगा रहे हो। तो यहाँ पे देखोगे तो डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 कितना आ जाएगा बताओ, माइनस 4 इंटू इसकी डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 की वैल्यू क्या होती है, 0.1 है ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, वो भी ये 0.1 कैसा है, माइनस में है, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का मिलेगा 0.4। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस में परसेंट चेंज जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 0.4%, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो प्लस 0.4% चेंज हो जाएगा, या हम कहें कि 0.4% बढ़ जाएगा, क्योंकि जब रेडियस को घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सो रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज 0.4% इन दिस सिचुएशन। इसको बच्चों फटाफट नोट कर लीजिए, या क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा।